अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो, और आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूं। इससे पहले आपको मैंने एक न्यूज़ दी थी कि पंजाब में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो हफ्ते को बंद रहेंगे, और उसका नोटिफिकेशन हो गया था। ये न्यूज़ मैंने आप दोस्तों के साथ सबसे पहले शेयर की थी, और अब एक और न्यूज़ आई है। पहले जो छुट्टी थी पंजाब में वो सिर्फ गवर्नमेंट के जो स्कूल थे वो बंद थे, तमाम कॉलेज खुले थे, तमाम प्राइवेट स्कूल जो थे उनको भी हफ्ते की छुट्टी नहीं थी। लेकिन अब जो न्यूज़ आई है, अब जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें तमाम प्राइवेट स्कूल्स भी शामिल हैं, तमाम गवर्नमेंट के कॉलेज भी शामिल हैं, तमाम प्राइवेट कॉलेजेस भी शामिल हैं, उसका नोटिफिकेशन हो गया है। ये सारी तफसील आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि आप दोस्तों को मज़ीद इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। जैसा कि आपको पता है कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों तक कन्फर्म न्यूज़ जो है वो पहुँचाई जाए और फेक न्यूज़ से बचा जाए, जैसा कि बाकी यूट्यूबर्स करते हैं। ज़्यादातर आप वीडियोज़ खुद देख सकते हैं कि वो फेक न्यूज़ जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर चलाते हैं। हमारी हमेशा ट्राई होती है कि कन्फर्म न्यूज़ जो है वो आप लोगों तक पहुँचाई जाए। तो पंजाब में लाहौर के अंदर जो है वो मंडे 26 अगस्त की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, और उसका नोटिफिकेशन भी हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26 अगस्त को लाहौर के तमाम प्राइवेट स्कूल्स प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो हैं वो बंद रहेंगी, क्योंकि अली हजवेरी अल मशहूर दाता गंजबख्श का सालाना उर्स मुबारक है। इसकी वजह से लाहौर शहर के अंदर तमाम तलीमी अदारे जो हैं 26 अगस्त को बंद रहेंगे। ख़ास करके गवर्नमेंट स्कूल्स वालों की मौजें हैं, सैटरडे की पहले छुट्टी है यानी हफ्ते की, फिर इतवार की, फिर सोमवार की, तो उनकी तो होगी तीन छुट्टियां। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं उनको भी दो छुट्टियां होंगी, इतवार और उसके साथ फिर सोमवार की मिली तो तीन छुट्टियाँ होंगी। तो ये लाहौर के हवाले से बड़ी खबर है कि लाहौर के जो तमाम तलीमी अदारे हैं वो बरोज़ मंडे जो हैं वो बंद रहेंगे, उनको छुट्टी होगी।